कमरी पे गए हैं। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज अपडेट में एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ शशिप्रिया। प्रियंका गांधी मनोरंजन का साधन है। जी हाँ, सुना आपने, ये जो वीडियो हमने आपको सुनाया, ये हम नहीं कह रहे कि प्रियंका गांधी मनोरंजन का साधन है, बल्कि ये वीडियो बोल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी विधायक ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, प्रियंका गांधी को मनोरंजन का साधन बताया है। जो हमारे जनप्रतिनिधि है लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं और इन बयानों से क्या कुछ असर पड़ेगा ये बिल्कुल भी भूल चुके हैं। जरा भी मर्यादा का ख्याल नहीं है और लगातार बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव दिलचस्प तो है ही, कांटे का टक्कर भी देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि मर्यादा में रहना हम भूल जाएं? ये लागू होता है हमारे उन जनप्रतिनिधियों पर जो लगातार मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, इसमें साफ साफ आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से मर्यादा को ताक पर रखकर बीजेपी विधायक जो कि बांदा क्षेत्र से हैं, उन्होंने किस तरीके से मर्यादा को ताक पर रखा है। तो लगातार इस तरीके की बातें सामने आ रही है। बांदा जिले की अगर हम बात करें तो वहां पर विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। बीजेपी का नारा है विकास का, लेकिन विकास को भूलकर अब मुद्दा बन गया है कि किस तरीके से मर्यादा को तार तार किया जाए। मर्यादा हमेशा हर किसी के लिए ज़रूरी होती है, चाहे वो हमारे जनप्रतिनिधि हो, आम आदमी हो, लेकिन जब हमारे जनप्रतिनिधि ही इस तरीके से करेंगे तो फिर आम आदमी को क्या संदेश जाएगा? आखिर आम आदमी किसके पद चिन्हों पर चलेगी? आम आदमी जो एक जनप्रतिनिधि को चुनकर वहाँ तक भेजता है जहाँ पर कि वो उसकी समस्याओं को समझेगा, सुनेगा और वहाँ से नियम पारित होंगे और आम आदमी के लिए तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाई जाएगी उनके द्वारा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को भूलकर अब जनप्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ बयानों की तीर छोड़ रहे हैं और जिसके गवाह ये वीडियो है, ये तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मर्यादा को भूल कर हमारे जनप्रतिनिधि तमाम नियम कानून को भूलकर एक दूसरे पर बयानों के तीर चला रहे हैं। बांदा ज़िले की अगर हम बात करें तो ये केन नदी के पास स्थित है और यहाँ की जो जनसंख्या है इसमें कुछ जो संख्या है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर कुछ खेतीहर मजदूर भी हैं जो खेती करते हैं। उन्हें बहुत ज़रूरत है कि उन्हें किस तरीके से विकास की तरफ बढ़ाया जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करना ज़रूरी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे और बात की जा रही थी कि कैसे वहां पर स्कूल खोले जाएंगे, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जो सड़कें टूटी फूटी हैं उन्हें बनाई जाएंगी, मरम्मत की जाएंगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद वहां पर बातें हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को लेकर, अब वो भी एक स्त्री की मर्यादा के साथ खिलवाड़ करने जैसी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ये हम नहीं कह रहे, एक बार फिर से हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं, आप खुद देख लीजिए। उनकी बहन का दौरा था, एक तो मनोरंजन का साधन गांधी परिवार ने हमें राहुल बाबा के रूप में, पर बड़ी खुशी की बात है कि अब उनकी बहना भी उसमें सम्मिलित हो गई है। तो सुना आपने किस तरीके से मर्यादा को भंग किया जा रहा है। हमारे बीजेपी के नेता की ये तमाम वक्तव्य जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ये बताने के लिए कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो मर्यादा को तोड़ रहे हैं, उन्हें मर्यादा में रहना चाहिए और आम आदमी से भी मर्यादा में रहने की अपील करनी चाहिए और उन्हें निरंतर विकास के पद पर अग्रसर करना चाहिए और वो सब तमाम चीज़ें भूल रहे हैं वो। अगर हम बात करें यहाँ के आसपास के इलाकों की तो यहाँ पर कृषि प्रधान जो क्षेत्र है वहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये सब व्यवस्थाएँ वहाँ पर नहीं हुई है अभी तक, वो व्यवस्था करनी चाहिए थी। अगर क्षेत्र की बात करें औद्योगिक विकास की तो प्रयास अभी किए जा रहे हैं, यानी कि
विकासशील है, विकसित नहीं है, विकास की तरफ अग्रसर है, लेकिन ये कब तक वहाँ पे शुरू हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा एक सवाल ये है कि कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, डिफेंस कॉरिडोर अगर यहाँ पर बन जाता है तो मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाएंगी, डिफेंस की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ेगा, कोशिश होगी कि नौजवानों को रोज़गार उसमें मिल जाए, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। अगर हम बात करें यूपी के किसानों की तो वो काफ़ी मुश्किल हालात में अभी अपना जीवन जी रहे हैं, किसानों पर कर्ज है, इसकी बात होनी चाहिए थी। किस तरीके से सड़कों की जो स्थिति है बेहद ख़राब है, सड़कों में बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में नेता जो हैं वो लगातार इस तरीके से बयानों के तीर छोड़ रहे हैं, बात विकास की ना करके अब लगातार एक दूसरे पर छींटा कसी चल रही है। क्या ये छींटा कसी जीत का सिंबल बन सकती है? क्या जनता उन्हें इस छींटा कसी पर जीत का तगमा दे सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। इन्हीं सवालों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।